Now example eleven point ten. It is required to separate one kilogram per second of a solution of ammonia in water containing thirty percent by mass of ammonia. Okay, thirty percent by mass of ammonia. यानी के xfa point three to give a top product of ninety nine point five percent purity. यानी के xd is point nine nine five. एन a वीक solution कंटेनिंग 10% by mass of ऑफ अमोनिया सो एक्स डब्ल्यू इज पॉइंट वन तो आपके पास अमोनिया और वाटर का मिक्सचर है जैसे बेनजीनोटोलिन का होता था जैसे और वॉटर का होता था जैसे एस्टिक एसिड वाटर का होता था तो उसमें जो हमारे पास फीड है उसमें जो मोर वोलोटाइल कंपोनेंट है विच इज अमोनिया उसमें उसकी 30 परसेंट अमाउंट है जो प्रोडक्ट आ रहा है टॉप प्रोडक्ट पॉइंट एंड जो बॉटम प्रोडक्ट आएगा उसमें टेन परसेंट का राइट सो एक्स एफ एक्स टी एंड एक्सडब्लू आर क्लियरलीट दीट रिक्वाड इन द रीबॉयर एंड रिजेक्टेड इन दंडेंसर अब ये नई चीजें यहां पर ही आप मालूम कर सकते हैं यू कैनॉट फाइंड दीज बाय लुई सोरोपथिल तो सोल्व हो जाएगा उनसे भी

तो d और w तो आ गए फिर एन्थॉल्पी कंपोजिशन चार्ट की तरफ आते हैं अच्छा अब इसके लिए जो ड्यू पॉइंट कर्व है और बबल पॉइंट कर्व उसकी आपको वैल्यूज गिवन होंगी तो आपने कंसंट्रेशन या कंपोजिशन और एन्थॉल्पी की जो ड्यू पॉइंट और बबल पॉइंट कर्व है वो तो ड्रा कर लिया पहले से इसके बाद आप f भी ड्रा कर सकते हैं f आपको पता है क्योंकि लिक्विड एट द बॉइलिंग पॉइंट है और xf है 0.3 तो वो आपने लोकेट कर लिया ऑन दी बबल पॉइंट का ये देखें अभी आप सिर्फ यहाँ पे इस पे नोट करें कि ये f हमने 0.3 पे लोकेट कर लिया बिकॉज़ f इज द लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट ठीक है अच्छा इसके दो तीन सिनेरियोज हो सकते हैं अगर डिफरेंट कंडीशन है तो इसमें फिर आपको उनको देना पड़ेगा कि इंथोलपी क्या है ना आपके पास इंथॉलपीट से जो फीड है वो, नहीं होती। वो होती है वेपर की में। अगर वेपर की है, तो आप सिंपली इस पे लोकेट कर सकते हैं वेपर की लेकिन अगर कोल्ड फीड हो जाती है तो फिर आपको अगर इंथोलपी दे दी जाए लेट से वो कहते हैं कि फीड कंटेन्स पॉइंट थ्री मतलब थ्री थर्टी परसेंट ऑफ द मोर वोट कम्पोनेट एंड इट है किलोग्राम तो आप यहाँ पे लोकेट कर देंगे इस फील्ड को यह पॉइंट यहाँ पे लोकेट हो जाएगा राइट right? तो अगर इंथोलपी दे दी जाए तो आपने मद्देनजर रखना है कि यार अगर लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट नहीं दीवा अगर इंथॉलपी भी नहीं दी हुई कुछ भी नहीं दिया हुआ तो इसका मतलब है कि यू कैन दैट द फीड इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट लेकिन गर, अगर एमथोलपी दी हुई है तो फिर आप इजीली कहीं भी इसको लोकेट कर सकते हैं वो चाहते हैं कि आप कहीं भी इसको लोकेट करते हैं डजेंट मैटर ठीक है अच्छा आप एफ को लोकेट करने के बाद आपने चूंकि एन uh, और एम का कुछ नहीं गिवन ठीक है हमारे पास ना एच एच डी एल तो आ जाएगा क्योंकि ये यहाँ पे होता है दिस विल बी एच डी एल राइट एंड दिस विल बी एच डब्ल्यू एल लेकिन हमारे पास चूंकि और क्यू बी गिवन नहीं है तो हमें नहीं पता N और एम को कैसे लोकेट करें एन और एम के यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमें मालूम नहीं उसके लिए अब आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो है मिनिमम रिफ्लक्स रेशो। वो है कि एट परसेंट इन एक्सेस आपने देनी है मिनिमम से अब आप क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट थ्री की एफ है इसके अगेंस्ट ये निकालेंगे कि वेपर की कंपोजिशन कितनी होगी जब आपके पास जो फीड है उसमें अमोनिया पॉइंट थ्री है तो वेपर की कंपोजिशन कितनी होगी और वो आपके पास इक्विलिब्रियम डाटा से वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो इक्म डाटा भी इसमें गिवन हो, होना चाहिए और वैसे भी आगे जाके आपने के जरिए ये टाइल ड्रॉ करनी है तो शुड गिवन जस्ट लाइक द बबल पॉइंट कर्व एंड द ड्यू पॉइंट कर्व उस इक्विब्रियम डाटा में आप ये देखेंगे कि जब एक्स एफ जो है वो पॉइंट थ्री हो तो वाई कितनी होगी वेपर तो वो आप यहां पे आप देख सकते हैं इन्होंने खुद नहीं बताया लेकिन ये है वो कंपोजिशन यानी कि तकरीबन पॉइंट इफ यू गो अप इट विल बी 0.86 समथिंग तो आप इसको यानी कि ये टाई लाइन पे ड्रा कर लेंगे यानी कि ये एक्स एफ और ये जो वेपर की कंपोजिशन है इन दोनों को uh, मिलाएं और उसको एक्सट्रपोलेट करें अप टू तो दिस एक्स डी लाइन तो आपके पास एन एम की वैल्यू आ जाएगी अब एन एम लोकेट हो गया पॉइंट एन एम की लोकेशन के बाद आप वो ज्योमेट्रिकल जोमेट्रिकली uh, इसको सॉल्व करके एन लोकेट कर सकते हैं वो कैसे इसको रहने दें ये इसकी कोई जरूरत नहीं है मिनिमम देन एन ए ये एन ए क्या चीज है कि बेसिकली ये एन और एनि की द लेंथ ऑफ द लाइन एन एंड ए तो एन ए देंथ एन ए इक्वल टू वन पॉइंट अगर आपके पास आ जाए तो आप वन पॉइंट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एन ए आ जाएगी अब एन एम ए क्या है ये हमें पता है कि ये जो एच ये जो ए है साहिर चूंकि आपने चार्ट पे ड्रॉ किया है तो आपको ये जो फाइनल वैल्यू होगी एट वो तो मालूम होगी वो यहाँ पे वन फाइव फोर सेवन और जो nm की वैल्यू है वो है 1952 सो so, इन इनको माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो है 405 सो so, nma की लेंथ है 405 किलो जौल पर किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1.0 दैट विल बी इक्वल टू 437 तो so, अब इसका मतलब है कि आपने 437 पे लेके जाना है और जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने बनेंगे ये तो uh, so, an so, इस तरह हमारे पास इस ये जो इन्होंने एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी कि आपने जो रिफ्लक्स रेशियो रखनी है वो एट टाइम्स ऑफ द मिनिमम रखनी है उससे हमने ये लोकेट कर लिया और लेंथ को यूज करते हुए तो ये पॉइंट है आपका ये आपको ज़्यादा ये, ये एन एम था जो कि यहां से मिला के आया और ये पॉइंट एन है अब जब पॉइंट एन आ गया तो सारा काम आसान हो जाता है क्योंकि एन और एफ को आप मिलाएं और इसको एक्स्ट्रापोलेट करें तो एम तक आ जाएगा ये, तो ये एनएम आ जाएगा तो आपके पास एफ एन और एम तीनों आ चुके हैं अब आपने वही काम करना है जो आप देख चुके हैं कि नाउ फ्रॉम दिस स्ट्रेट लाइन ऑफ एक्स डी आप इसको लेके जाए uh, फिर आपने एक्स को लोकेट करना है ठीक है बाय यूजिंग द इक्म डाटा और बाय ड्राइंग द इक्म कर्व बिनीथ दिस डायग्राम एक्स को लोकेट करें इसको मिलाएं एन से जहां पे ये कट करेगा ड्यू पॉइंट का आपको वो आपके पास वेपर कंपोजिशन आ गई फिर आप दोबारा एक्स को लोकेट करें देन इसको एन से मिलाएं जहां पे ये कट करेगा वो आपके पास वेपर कंपोजिशन आ गई फिर आप लिक्विड कंपोजिशन निकालें यहां तक करें जहां तक पॉइंट से कम नहीं हो जाती पॉइंट से कम ये यहाँ पे एक्स हो गई X4 पे फिर आपने M से अब ज्वाइन करना शुरू कर देना है तो ये M से ज्वाइन करें इसको यहाँ तक लेके जाएं फिर ये M से ज्वाइन करें इसको यहाँ तक लेके जाएं देन M से और ये करते रहने जब तक ये जो X की कंपोजिशन है ये पॉइंट वन से कम नहीं आ जाती तो ये सारा करने के बाद उन्होंने कहा है कि तकरीबन फाइव प्लस जो कि चूंकि एफिशेंसी थी पॉइंट सो द नंबर ऑफ प्लेट्स टू बी प्रोवाइडेड विल बी इक्वल टू फाइव डिवाइडेड पॉइंट और यू कैन सेंड अप नाइन अच्छा अब उन्होंने क्वेश्चन स्टेटमेंट में ये भी कहा था कि आपने हीट रिलीज इन द कंडेंसर एंड हीट प्रोवाइडेड इन द रिबॉयर व्यू दोनों मालूम करनी है तो अब इस पॉइंट ऑन मेथड की ये एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि यहां से आप ये जो वैल्यूज हैं इनसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ये एच है और ये तमाम एन और n से लेके ये जो इस वैल्यू तक एल तक जो लेंथ है वो आपकी सारी क्या है क्यू सी ओवर डी तो आप डी तो मालूम कर चुके हैं तो क्यू सी इजीली आ जाएगा सो वी है हम क्यू बी निकाल लेते हैं क्यूबी ओवर डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस ये क्यूबी ओवर डब्ल्यू कैसे है कि ये जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक इसको हमने करना है बेसिकली तो ये कितना आ गया

कंडेंसर लेंथ लेंथ जैसे मैंने कहा कि NL, इसकी में D, तो, uh, two two, 372 तो का इतनी पावर का आपको चाहिए होगा तो आपने दोनों बॉयलर और कंडेंसर की पावर्स भी निकाल ली नंबर ऑफ प्लेट्स भी निकाल ली इस मेथड के जरिए यू हैव टू कैलकुलेट दी पावर कंजम्पन्स इन बोथ कंडेंसर एंड रिबॉयलर सेपरेटली ये आपको इसी चार्ट से ही मिल जाती हैं तो ये इसकी एक काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है